साल 2022 में iPhone 13 की प्राइस थी 70,000 रुपए, लेकिन वही iPhone 13 Flipkart के बिग बिलियन डेज में मिला कितने में? 49,990 रुपए में। मतलब सीधा सीधा 20,000 रुपए का फायदा। लेकिन 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 यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या सच में सबको iPhone 13 49,990 रुपए में मिला? और इसका जवाब है नहीं। ये था Flipkart का एक शानदार गेम प्लान जहाँ पे आप फंस जाते हैं। अब आप जरा ये पिक्चर देखिए। सबसे पहले Flipkart ने ये एड चलाया ताकि आप लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। ये एड्स देखने के बाद जो भी 35,000 या 40,000 का फोन लेने वाले थे, उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 70,000 का फोन अगर 49,990 रुपए में मिल रहा है तो क्यों ना 10,000 या 15,000 रुपए का जुगाड़ करके iPhone ही ले लिया जाए। iPhone जैसी ब्रांड वैल्यू आ जाएगी और लोगों को थोड़ा जलवा दिखाया जाएगा। लेकिन जैसे ही बिग बिलियन डेज चालू हुआ, 1 मिनट के अंदर ही iPhone आउट ऑफ स्टॉक हो गया और फिर कुछ देर बाद प्राइस बढ़ाकर फिर से Flipkart पे ये लिस्ट हो गया। अब सवाल ये आता है कि जब एक बार iPhone आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो फिर से प्राइस बढ़ने के बाद अवेलेबल कैसे हो गया? ये थी Flipkart की मास्टर मार्केटिंग तकनीक, जहां Flipkart आपसे 2,000 रुपए और ज्यादा कमाना चाहता था और आप उनके बहकावे में आ गए। उन्होंने यूज किया एक साइकोलॉजिकल ट्रिक। अगर Flipkart स्टार्टिंग में ही 52,000 का प्राइस लिख देता तो वैसे लोग उनसे छूट जाते जिनका बजट 30,000 या 35,000 का होता, लेकिन बाद में प्राइस बढ़ाने से उनके पास 30,000 से 35,000 वाले लोग भी आ गए और 40,000 से 45,000 बजट वाले लोग तो उनके पास ऑलरेडी हैं ही। दोस्तों, Flipkart और Amazon जैसी वेबसाइट हर साल ऐसे ही ऑफर्स लेकर आती हैं, जबकि खुद ये कंपनियां हर साल लॉस में रहती हैं। 2021 में Flipkart लगभग 4,900 करोड़ रुपए के नुकसान में थी और 2022 में ये नुकसान 3,600 करोड़ रुपए का था। फिर भी ये कंपनियां इतने भर भर के ऑफर्स क्यों देती हैं? ये कंपनियां हमें कैसे बेवकूफ बनाती हैं? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। सबसे पहले जानते हैं Flipkart और Amazon जैसी कंपनियों का बिजनेस मॉडल क्या है। दोस्तों, जब भी आप कोई सामान Flipkart या फिर Amazon से ऑर्डर करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सेलर के पास जाता है। आपने जो भी सामान ऑर्डर किया है, सेलर उसे पैक करवाकर डिलीवरी सर्विस के पास भेज देता है और फिर डिलीवरी कंपनी सामान आप तक पहुंचा देती है। डिलीवरी कंपनी Amazon या Flipkart जैसी कंपनी से अपना डिलीवरी चार्ज ले लेती है और कभी कभी आपको भी डिलीवरी चार्ज पे करना होता है। कंपनियां हर सामान पे अपने सेलर से 10% या 20% का कमीशन लेती हैं। ऐसे कंपनियों में पेमेंट सिस्टम भी होता है जो Amazon और Flipkart किसी अलग कंपनी से आउटसोर्स करवाती हैं, जिसके लिए उन्हें हर ट्रांजैक्शन पे कुछ कमीशन देना पड़ता है, जिसका चार्ज भी हम पे करते हैं। दोस्तों, ये सिस्टम देखकर आप सोच रहे होंगे कि डिलीवरी चार्ज भी हम पे कर रहे हैं, पेमेंट गेटवे चार्ज भी हम पे कर रहे हैं, कंपनियां सेलर से कमीशन भी ले रही हैं, फिर भी लॉस में कैसे हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि Flipkart और Amazon जैसी कंपनियां आपको ऑफर्स देने में और एडवर्टाइजमेंट में आधा पैसा खर्च कर देती हैं। पिछले साल Flipkart ने लगभग 1900 करोड़ रुपए सिर्फ अपने एड्स पे खर्च किए और लगभग 600 करोड़ रुपए ऑफर्स देने में। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉस होने के बाद भी ये कंपनियां इतने सारे ऑफर्स क्यों देती हैं? तो दोस्तों, ये कंपनियां अभी का नहीं बल्कि फ्यूचर का सोचती हैं और अभी इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर बनाने पे है। आपको इनकी आदत लगाना है ताकि आप कोई भी छोटा सामान लेने के लिए मार्केट ना जाएं, आप घर बैठे ही अपने फिंगर टिप से ही ऑर्डर कर लें। और एक बार जब आपको इसकी आदत लग जाएगी तब ये कंपनियां आपसे मनचाहा पैसा बटोर लेंगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से ट्रिक्स हैं जो Flipkart और Amazon जैसी कंपनियां यूज करती हैं आपको बेवकूफ बनाने के लिए, और क्या सच में बिग बिलियन डेज में ऑफर्स दिए भी जाते हैं या फिर ऐसे ही उल्लू बना दिया जाता है। दोस्तों, ये बात तो सच है कि बिग बिलियन डेज में जैसा दिखाया जाता है वैसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऑफर्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। कुछ ऐसे सामान हैं जिन पे वाकई में ऑफर्स दिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों, कुछ ट्रिक्स हैं जो कंपनियां आपको उल्लू बनाने के लिए यूज करती हैं। जो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली तकनीक है वो है आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड प्राइस। कंपनियां किसी भी सामान का प्राइस खुद से इंक्रीज कर देती हैं और उस पे 50% या 60% ऑफ लिखकर आपको बेवकूफ बनाती है। दोस्तों, कंपनियां बिग बिलियन डेज के लिए बहुत सारे रिफर्बिश्ड यानी कि एक बार यूज किया हुआ प्रोडक्ट या कहें तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट आधे दाम पे खरीद कर आपको ऑफर के साथ बेच देती हैं, कैशबैक ऑफर्स या कूपन ऑफर्स। दोस्तों, ये एक ऐसा ट्रिक है जो बहुत सारी कंपनियां अपने फायदे के लिए यूज करती हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि 2000 की खरीदी पे 200 रुपए का कैशबैक पाएं, लेकिन आप उस कैशबैक को सिर्फ उसी कंपनी में ही यूज कर पाएंगे जहां से आपको कैशबैक मिला है। जैसे कि अगर आपको Flipkart पे कैशबैक मिलता है तो आप सिर्फ उसे Flipkart पे ही यूज कर पाएंगे। मतलब 200 रुपए यूज करने के लिए आपको 500 रुपए का सामान फिर से लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था बिग बिलियन डेज का काला सच और कुछ ट्रिक्स जो कंपनियां आपको बेवकूफ बनाने के लिए यूज करती हैं और
हम बनते भी हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।